हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल GS Academy पर। दोस्तों, आज हम लोग उड़ीसा के महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। इसके जो फेमस जगहें हैं जो हमें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। शुरू करते हैं। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग था, उसके बाद इसका नाम उत्कल हो जाता है, फिर कटक, उसके बाद उड़ीसा, फिर ओडिशा। यह बंगाल की खाड़ी के तट पर है। उड़ीसा में चांदीपुर है, यहाँ मिसाइल परीक्षण रेंज है। कलाम द्वीप, इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप था, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर कलाम द्वीप कर दिया जाता है। यहाँ मिसाइल परीक्षण होता है, पहली बार यहाँ पर होता है, फिर सेकंड चांस चांदीपुर में होता है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर है और कोणार्क में रथ मंदिर है। कोणार्क में रथ मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोड़ा कहते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, यहाँ पर लिंगराज मंदिर है। पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। यहाँ फिगर में देख सकते हैं भीतरकणिका, भीतरकणिका गहिर माथा, यहाँ पर कछुआ के रहने के लिए जगह है। यह राष्ट्रीय उद्यान यहाँ बनाया गया है कछुआ के रहने के लिए। यहाँ है महानदी का मुहाना, महानदी यहाँ पर आके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ये चिल्का झील है, एक लैगून झील है यहाँ पर। कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का केंद्र है और तालचेर में भारी जल अनुसंधान का केंद्र है। कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और यहाँ पर बारामती क्रिकेट स्टेडियम है। सिमली पार्क में राष्ट्रीय उद्यान है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, यह सबसे लंबा बांध है भारत का। इसके पीछे का जलाशय हीराकुंड जलाशय कहलाता है। राउरकेला में इस्पात उद्योग फेमस है, राउरकेला का। कोरापुट में एल्युमिनियम फेमस है, कि कोरापुट एल्युमिनियम के लिए फेमस है। कालाहांडी और मलकानगिरी उड़ीसा का ऐसा जगह है जहाँ पर मतलब बारिश एकदम ना के बराबर होता है, भीषण सूखा पड़ता है यहाँ पर। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पर देख सकते हैं 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये है हमारा महानदी नदी जो आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और महेंद्रगिरी पर्वत यहाँ पर है। तो आज का वीडियो हम लोगों का यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए राज्य के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।